सुनिए ना, हम बाहर यार बाहर में है, सुनिए ना, एक मिनट लाइए, एक मिनट देखिए। जी तो मैं बता दूं कि बच्चों लोगों को अगर लेट होता है तो जो है से यहाँ के जो सारे लोग जो होते हैं कहते हैं नहीं एंट्री मिलेगा, अगर 5 मिनट भी लेट हो जाता है तो नहीं एंट्री मिलेगा। आखिर टीचर लेट क्यों, इसका जवाबदेही कौन है? तो मैं बता दूं, आप क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम हुआ आपका? तबीयत खराब है। क्या नाम हुआ आपका? ठीक है, मानते हैं तबीयत खराब है, क्या नाम हुआ आपका? आपका यहाँ सेंटर दिया हुआ है? आपका यहाँ सेंटर दिया हुआ है? बोलिए ना, हाँ ये बोलिए ना, बोलिए सेंटर दिया हुआ है, बोलिए जी। दिया हुआ है, क्या नाम हुआ आपका? चिंता कुमारी से। तो फिर यहाँ पे इतना आपने 5 मिनट लेट क्यों? नहीं, गाड़ी जाम है तो गोपालपुर में सर जाकर देखे, हम आ रहे हैं डोभी के बहुत अंदर से है। अच्छा, बहुत 2 घंटा 1.5 घंटा तो डोभी में मेरा जाम है, पूरा जाम में फंस गए। हाँ, तो अच्छा ये बताइए कि अगर 5 मिनट बच्चों लोगों का अगर लेट हो जाए तो उसका एंट्री होना चाहिए या ना होना चाहिए? होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्या होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? सर होना चाहिए, होना चाहिए। अभी मैडम जो है 5 मिनट लेट, इन्होंने एंट्री नहीं होना चाहिए। 5 मिनट लेट हो तो मैम लोग को भी एंट्री नहीं होना चाहिए सर। नहीं होना, नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर बच्चों लोगों का जाम अगर हो जाता है तो फंस जाता है तो बच्चों लोगों को नहीं सुना जाता, नहीं सुना जाता। अभी एक महानपुर में एक अभी बच्चों 15 मिनट लेट हुआ, जिसके वजह से बच्चों लोग 2 बच्चे स्टूडेंट को जो है एंट्री नहीं किया गया, लेकिन आपका जब लेट हुआ तो इसका जवाबदेही कौन है? बाकी आप रिक्वेस्ट करिए, शायद आपकी एंट्री मिल जाए। जाम है, बात पूरा हम 2 घंटे। चलिए हम मान लिए आपकी तबीयत खराब है, कारण बहुत सा है, बच्चों लोगों के साथ में भी एक्सक्यूज होता है, बच्चों लोगों के साथ में भी परेशानी होता होता है ना भैया। 5 मिनट 10 मिनट लेट होता है, एंट्री मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? अभी अभी स्कूल जो है कॉपी बटना शुरू हो गया वहाँ क्लासरूम में, तो इन लोगों ने अगर मैडम नहीं रहेंगे तो कॉपी बटेगा क्या? नहीं नहीं बटेगा। क्या ये गलत है या सही है? गलत है, बिल्कुल गलत है। चलिए ठीक है, बाकी आप बाकी एंट्री ले लीजिए। तो देखिए इस तरीका का है, ठीक है, मैडम का 5-10 मिनट लेट हुई है, मैं मानता हूँ, और इस तरीका से बच्चों लोगों के साथ में अगर ये लेट जी मैडम के साथ मैनेज किया जा रहा है, उसी तरह स्टूडेंट के साथ भी नेक्स्ट डे मैनेज होना चाहिए। यानी जिस तरीका से मैडम का मैनेज हो रहा है उसी तरीका से स्टूडेंट को मैनेज होना चाहिए, बोलने का मौका है ना? बिल्कुल सारे लोग जी, बिल्कुल इनके लिए भी सुविधा नहीं मिला सर। अच्छा, इसी कॉलेज में सुबह में 2 मिनट के लिए एंट्री नहीं मिला था, तो अभी मैडम सुबह में कितना मिनट के लिए? 2 मिनट के लिए वो बच्चे का नहीं एंट्री मिला, एंट्री नहीं मिला था। फिर बाद में क्या हुआ ना वो उतना नहीं मालूम है, बट एंट्री नहीं मिला था। अच्छा, वो पता नहीं क्या हुआ, कहाँ की बच्ची थी शायद ये नहीं पता है, लेकिन नहीं हुआ था। जी मैं इधर एक बार आप कैमरा इधर से घुमा लीजिए और कैमरा स्कूल का दिखा दीजिएगा, स्टूडेंट के साथ मैनेज किया जाए। और मैं बता दूं कि अभी हमारी मौजूदगी जो है सरगाटी थाना अंतर्गत जो है, आप एक बार कैमरा को घुमा दीजिए, चंद्रवन्य विद्यालय राजा बिगा में है। अभी जो है एक मैडम का देखिए, ये अभी मुश्किल से 5 से 7 मिनट इनका लेट हुआ है, लेकिन सुबह में 2 मिनट इसी विद्यालय के पास में एक छात्रा को जो लेट हुआ था, जिसके वजह से नहीं एंट्री मिला था, हालांकि बाद में रिक्वेस्ट करने के बाद एंट्री मिला था। तो अभी मैडम का अगर लेट हुआ है 5 से 7 मिनट तो इन्हें रिक्वेस्ट पर अंदर शायद देखिए यहाँ पे किया जा रहा होगा, मेरे ख्याल से थोड़ा सा आ जाइए, थोड़ा सा साइड हो जाइए आप लोग, आप लोग यहाँ पे भीड़ साइड करिए, आप लोग चलो भीड़ साइड करिए, आप लोग भीड़ साइड करिए। कैमरे करो, गलत है, गलत है सर, गेट से बाहर ही हुए जी। तो देखिए हम गेट के बाहर हैं, ठीक है, और बात रहा अभी 2 मिनट लेट हुआ था, बच्चे का एंट्री नहीं मिला था, चलिए ठीक है। और देखिए इस तरीका से यहाँ पर हो रहा है मामला, इसके पहले के भी वीडियो मेरे पास है। देखिए यहाँ पे किस तरीके से मास्टर लोगों का यहाँ पे लापरवाही हो रहा है, आप देख सकते हैं, ये चंद्रवाणी विद्यालय का मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। और अभी 5 मिनट जो है, 5 मिनट यहाँ पे मात्र लेट हुआ, जिसके वजह से 2 मिनट के वजह से बच्चों को एंट्री नहीं मिल रहा था, लेकिन मैडम आया जब सवाल खड़ा हुआ तो इसी को लेकर के यहाँ पे जो अंदर का जो टीचर है पत्रकार के साथ में जो है से बदसुल्की यहाँ पे किया जा रहा है। सच्चाई दिखाने में कड़वा लगता है, बुरा लगता है।